हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह, डायरेक्टर मनोज आईएएस, आपको आज हिंदी साहित्य के मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र सेकंड के सेक्शन ए पर चर्चा करेंगे। ये में जो निम्नलिखित काव्यांशों की लगभग 150 शब्दों में ऐसी व्याख्या कीजिए जिनमें निहित काव्य का मर्म भी उद्घाटित हो सके। तो इसमें पहला है सेक्शन एक का, इसका पहला क्वेश्चन है ए नंबर, प्रकृति जोई जाके अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लागे, सुधी न काहु करी, जैसे काग भक्ष नहीं छाड़त, जनमत जौन घरी, होए रंग जात कहु कैसो, ज्यों कारी कमरी, ज्यों अहि दसत उदर नहीं पूरत, ऐसी धरन धरी, सूर होऊं तो होऊं सोच नहीं, तैसे हैं कोई री। ये पद जो है आपको पता ही होगा, सूरदास के सूर सागर से लिया गया है, जिसमें वियोग वर्णन, गोपियों के वियोग वर्णन की चर्चा की गई है। इसमें जो है जो व्याख्या की गई है, इसमें देखिए व्याख्या में क्या क्या आपको लिखना रहता है। किसी भी पद की जब आप व्याख्या करते हैं तो इसमें पहला आपको ध्यान देना है कि लिखना क्या है। सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है संदर्भ, फिर प्रसंग क्या है, फिर व्याख्या क्या है, और फिर काव्य, सौंदर्य, या इसको आप ये लिख सकते हैं काव्यगत विशेषता। इतनी चीजें लिख सकते हैं। तो आपको संदर्भ में कवि का परिचय, कवि जो पद लिया गया है, कवि उसका लेखक कौन है या रचयिता कौन है, कवि कौन है, ये ध्यान देना है। फिर उसका बताना है कि यह पद किस ग्रंथ से लिया गया है। पुनः आपको बताना है कि किस संदर्भ में ये बात कही गई है। फिर व्याख्या, उसका पूरा विवरण देना है आपको। इसके बाद इसमें इसमें आपका भाषा क्या है, रस क्या है, और विशेष क्या है इस पद में जो युग बोध को प्रभावित कर रहा है। इतनी चीजें आपको बतानी होती हैं। तो अब आपको मैं इस व्याख्या में बताते हैं कि प्रकृति जोई जाके अंग परी। तो प्रकृति, प्रकृति माने होता है आचरण, प्रकृति माने आचरण, जोई माने जिसके, जाके अंग परी, जिसके अंग में, जिसके चरित्र में जो प्रकृति आ गई है, जो आचरण आ गया है, वह कभी भी भूलता नहीं है। त्वान पूछ कोटिक जो लगे, सुध न काहू करी। त्वान माने होता कुत्ता, त्वान माने कुत्ता, संस्कृत कुकुर भी कहा जाता है। त्वान पूछ कोटिक जो लगे हो, सुध न काहू करी। कुत्ते की पूछ, दुम भी बोलते हैं इसको, कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती है, चाहे उसे जितना ही सीधा करने का प्रयास किया जाए। जैसे काग भच्छ नहीं छाड़ है, जनमत जौन घरी। काग माने कौवा, कौवा चाहे जिस भी पवित्र तिथि को पैदा हो जाए, चाहे वह बसंत पंचमी को ही क्यों ना पैदा हुआ हो, अमावस्या को क्यों ना पैदा हुआ हो, चाहे मकर संक्रांति को क्यों ना पैदा हुआ हो, लेकिन वह भक्ष माने गंदी चीजें खाना नहीं छोड़ता है। अर्थात उसके आचरण में है, जेनेटिक गुण है उसका, जो वह गंदी चीजें खाएगा ही खाएगा। धोए रंग जात कहो कैसे हो, ज्यों कारी कब कमरी। तो काले रंग की कमरी, सूरदास जी कहते हैं अगर काले रंग की कमरी है, कंबल, कमरी माने कंबल, वह कभी भी सफेद नहीं हो सकता, चाहे उसको जितनी बार धुला जाए। अर्थात वो अपने आचरण को नहीं त्यागता, कालापन धारण किए रहता है।
अहि डसत उरत नहीं पूरत ऐसी धरन धरी। क्यों अहि, अहि माने सांप, अहि माने होता है सांप। डसत डसता रहता है, उससे उसके पेट की पूर्ति नहीं होती, फिर भी वो डसना छोड़ता नहीं है। सूर होम सो होम सोच नहीं पैसो है उरी। सूरदास जी कहते हैं जो जिस सोच का है, जिस आचरण का है, जिस प्रकृति का है, उसके अंदर वह चरित्र हमेशा विद्यमान रहता है। तो प्रस्तुत जो पंक्तियां थी, इस पंक्ति का कवि जो हैं, इसके सूरदास जी हैं सूरदास, और इनके ग्रंथ का नाम है सूर सागर। और इसमें आपका जो है भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, इससे यह पद लिया गया है। इतनी बातें आपको बतानी है। प्रसंग जो है चरित्र की व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्या में जो आपको बताया गया वो बताना। काव्य सौंदर्य में आपको ध्यान देना है, इसकी भाषा क्या है, रस क्या है, छंद क्या है। तो भाषा क्या है, सूरदास जी ब्रज के कवि हैं, ब्रज भाषा। और रस क्या है, शांत रस है। और छंद क्या है, गेय पद है, गेय पद है इसमें। और विशेष क्या है, यहां पर सूरदास जी ने चरित्र का वर्णन किया है कि जिसके चरित्र में जो व्यवहार आ जाता हुआ कभी भी छूटता नहीं है, और इसका वर्णन किया गया है। और इसमें जो आपका अलंकार है वह कौन सा अलंकार है, अगर इसमें अलंकार की बात करें तो इसमें अलंकार है आपका रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। अलंकार आपका कौन सा है, रूपक। रूपक अलंकार है। इतनी बातें आपको लिख देना है। इस तरह से ये व्याख्या हुई। एक बार इसको पुनः हम बता देते हैं, शायद मान लीजिए कि किसी को सुनने में या कोई समस्या हुई हो, फिर से बता देते हैं। सूरदास जी कहते हैं प्रकृति जोई जाके अंग परी, जिस व्यक्ति के चरित्र में जो आचरण व्यवहार आ गया है वह कभी भूलता नहीं है। स्वान पूछ कोटिक जो लगे सूद न काहू करी। स्वान माने कुत्ता, कुत्ते की पूछ, कोटिक माने करोड़ों उपाय कर देने पर भी वह क्या होती है, टेढ़ी की टेढ़ी ही बनी होती है। जैसे काग भच्छ नहीं छाड़क जनमत जौन घरी। सूरदास जी कहते हैं जैसे कौवा किसी भी तिथि को जन्म ले ले, जितना भी पावन पर्व हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अमावस्या हो, चाहे मकर संक्रांति के दिन ही क्यों ना पैदा हुआ हो, लेकिन वह गंदी चीजें खाने से बाज नहीं आता, वह गंदी चीजें ही खाएगा। धोए रंग जात कहो कैसो ज्यो कारी कगरी कमरी। तो सूरदास जी कहते हैं धोए रंग जात कहो कैसो, किसी भी भांति से काले रंग के कम्बल को धोने से उसका कारा रंग नहीं जाता, अर्थात तो हमेशा काला ही काला बना रहता है। ज्यो अहि डसत उदर नहीं पूरत ऐसी धरन धरी। लेकिन जैसे सांप किसी को डसता है तो उससे उसका पेट नहीं भरता, लेकिन फिर भी वो अपना डसना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके वो व्यवहार में है। सूर हो सो हो सोच नहीं पैसे है एवरी। सूरदास जी कहते हैं कि जिसकी भावना में, जिसके विचारों में जो भावना बस गई है वह कभी उससे दूर नहीं होती है। यह आपका पद रहा। बाकी आप इसमें भाषा ब्रज है, रस शांत है, और छंद जो है गेय पद है, और अलंकार इसमें रूपक है, संयोग भी है, इसमें संयोग और वियोग अलंकार भी है। अगला देखिए आपका पहले का बी है,
सुनु रावण वाले का भी मैं देखिए यह पद जो है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस के सुंदरकांड से लिया गया है। सुंदरकांड से अक्सर प्रश्न आते रहते हैं हमेशा, तो यह पद है सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल विरचित माया, जाके बल विरंच हर ईसा पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल सीस धरत सह शासन अंड कोश समेत गिरि कानन, धरय जो विविध देह सुर त्राता तुम से कठन सिखावह दाता, हर को दंड कठिन जहि भंजा तेहि समेत निपदल मद गंजा। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिया गया है। सुंदर शब्द जो है हनुमान जी के लिए प्रयोग किया गया है, अर्थात हनुमान जी क्या थे, सुंदर माने गए हैं, सबसे अच्छे माने गए हैं। तो सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, यह जो है संवाद कहा गया है कि ब्रह्मांड हे रावण तुम सुनो, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, तुम इस ब्रह्मांड पर हो और जिस पर निवास कर रहे, पाई जास बल वृक्ष माया, और जिस माया और चरित्र को तुम धारण किए हुए हो, जाके बल विरंच हर ईसा, और जिनके बल से जिनके सामर्थ से ही हरि हर ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश इस सृष्टि का सृजन करते हैं, जा बल शीस धरत सह आसन, और जिनके शक्ति से ही शेषनाग अंडकोश समय समस्त जीव जंतुओं पेड़ पौधों सहित पर्वतों और कानन माने वनों को अपने शीस पर धारण किए हुए हैं, धरई सुविध देह सुरत्राता, और जो विविध प्रकार के अवतार लेकर जन्म लेकर के तुम से सठन सिखाव दाता, और तुम माने तुम जैसे दुष्ट दुराचारी राक्षसों का संहार करते हैं, हर को दंड कठिन जहि भंजा, और उनके द्वारा दिए गए कठोर दंड से कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाता है, तेहि समेत दल मंडा, और वो चाहे तो इस पृथ्वी के संपूर्ण राजाओं को एक साथ पराजित कर सकते हैं, ऐसे श्री राम का मैं दूत हूं, और उनके द्वारा दिए गए समस्त कार्यों को उनके आदेशानुसार मैं करने आया हूं, और इसलिए हे रावण तुम अपने इस दुष्ट विद्या का त्याग कर दो और अच्छे आचरण धारण कर लो। अब इसमें आप देखिए तो जो ये है ये आपका है चौपाई छंद है इसमें। अब आप सोचिए कि सूरदास के बाद तुलसीदास की बात जो यहां पर की गई है, तुलसीदास के ग्रंथ का नाम है, तुलसीदास के ग्रंथ का नाम है राम चरित मानस। अब आपके पाठ्यक्रम में क्या है, सुंदर कांड, सुंदर कांड, और सुंदर कांड में पूरा हनुमान जी के ही गुणों का वर्णन किया गया है। ये अप्रसंग क्या है इसमें, हनुमान मतलब ये किन किन दो व्यक्तियों के बीच में संवाद हो रहा है उसका वर्णन किया गया है, और व्याख्या इसमें जो मैंने बताया उसको बता देना है। काव्य सौंदर्य जो है, अब इसमें लिखते समय भाषा जो सूरदास तुलसीदास जी हैं उनकी भाषा जो है क्या थी, अवधी, अवधी भाषा थी, अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की गई है। रस जो है यहाँ पर शांत रस है, भक्ति का पद है, शांत और वीर रस है इसमें, और छंद जो है यहाँ पर क्या है, चौपाई है, और अलंकार जो है यहाँ पर, अलंकार जो है इसमें जो है आपका अनुप्रास
अनुप्रास है और रूपक। अगला पद है आपका एक खंड सेक्शन ए का, खंड ए का जो है पहले का सी नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए व्याख्या में आया हुआ है 2018 में। पावक सो नयननु लगे जावक लगयो भाल, मुकुरु होंगे नयकुमय मुकुरु बिलोचन बिलोचो भाल, पखिन कननु कपोल दुति बिच ही बिच दीकान, लाल लाल चमकत चुमी चुनी चौका चीन समान। सबसे बड़ी बात है कि आप पद पढ़ते समय ही समझ गए होंगे, गागर में सागर भरने वाले हिंदी साहित्य के महान कवि जो कि रीतकाल रीतकालीन काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सस्तई इनका एकमात्र ही ग्रंथ है बिहारी सस्तई, उससे लिया गया है। और इसमें भी छंद जो है दोहा छंद है। पावक सो नयननु लगे जावक लगयो भाल, पावक सो नयनन लगे जावक लगयो भाल। पावक जो नयनन लगे जावक लगयो भाल, इस पद में सूरदास जी बिहारी लाल जी कहते हैं कि नायक श्री कृष्ण जो है अपने प्रेम मार्ग से भटक चुका है और वह किसी नायिका से मिलता है, जिसके कारण उसके शरीर पर कहीं ना कहीं उसके होठों की लाली लग गई है। और राधा इस चीज को देख करके उन्हें संदेह होता है कि हमारा प्रेमी अर्थात श्री कृष्ण जो है किसी और से मिलता है, किसी और नायिका पर आसक्त है। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक चतुर सहेली को भगवान श्री कृष्ण के पीछे लगा दिया। जब भगवान श्री कृष्ण के पीछे इसको लगा दिया तो हुआ क्या, तो जब वो दोबारा मिलने आती है तो ये देखते हैं, राधा देखती है कि हर जगह जो है उसके भगवान श्री कृष्ण के और उसकी नायिका के हर जगह लाली लगी हुई है। कहीं यहां पर होठों का चुम्बन से लाली लग गई है, कहीं हृदय पर लगी है, कहीं हाथों पर लगी है, कहीं कपोल पर लग गई है। कहने का मतलब कि हर जगह ऐसे अवशेष मिल रहे हैं कि जैसे उसके साथ काफी चुम्बन का कार्य भगवान श्री कृष्ण ने किया हो। यह बात देख करके नायिका राधा जो है अपनी सहेली पर क्रोधित हो जाती है, कहती हैं कि तुम मत बताओ, तुम जो जिसके लिए तुम्हें भेजा गया था उससे तुम जस्ट विपरीत काम करके आ रहे हो, अर्थात तुम भी हमारे नायक पर आसक्त हो गई हो और उनके साथ चुंबन और आसक्त दिखाई हो। यह बात जो है इस समय बिहारी लाल द्वारा प्रस्तुत की गई है पद में, 2018 में यह आया हुआ था क्वेश्चन। और इसमें आप अगर देखें तो इनकी भाषा भी जो है क्या है, सूरदास की भाषा क्या है, ये जो ग्रंथ है आपका वह लिया गया है किससे, अभी मैंने बताया था, एक बार फिर बता देते हैं, यह बिहारी सत्तई से लिया गया। किससे लिया गया है, बिहारी सत्सई, बिहारी सत्सई से लिया गया है। इसमें कुल 719 दोहे हैं और इससे लिया गया है। और इसमें और यह जो है बिहारी सत्सई से लिया गया है, इसमें नायिका राधा द्वारा श्री कृष्ण पर संदेह जताया गया है, इसको लिखना है। और इसकी भाषा जो है आपकी जो है क्या है, ब्रज है, ब्रज भाषा के कवि थे ये, ब्रज भाषा। और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस। और छंद जो है आपका इसमें दोहा है, क्या है, दोहा है, दोहा छंद है, दोहा छंद। और अलंकार जो है रूपक,
मुख्य रूप से है। कई एक पदों में कई अलंकार भी हो सकते हैं तो, लेकिन मुख्य रूप से इसमें यही है। तो अब इसको एक बार फिर से बता देते हैं, पावक जो नयनन लगे जावक लगयो बहाल, मुकुरो होंग नयक मैं मुकुरु बिलोको भाल। कह रहे हैं राधा का बिहारी लाल जी कहते हैं कि राधा के मन में श्री कृष्ण के होठों पर और कपोलों पर लगे हुए लाली से संदेह होता है और उसको देख करके इसीलिए राधा श्री कृष्ण से कहती हैं कि आप मुकुर जाते हो, मुकुरु होंगो नयक मैं मुकुरु बिलोको भाल। कह रहे हैं कि इसलिए तुम ऐसा करो हे श्री कृष्ण, तुम ऐसा करो तो मैं जानती हूं कि तुम मुकुर जाते हो, किसी बात को कह करके टाल देते हो कि मैंने ऐसा नहीं किया है, इसलिए तुम मुकुर जाते हो। क्या होता है, इसलिए मुकुर देख लो, क्या मुकुरु मुकुरु होंगे नयक मैं जानती हूं कि तुम मुकुर जाते हो किसी बात से, इसलिए मुकुर मुकुर माने क्या होता है, शीशा भी होता है, तो इसलिए तुम जाओ सामने शीशा लगा हुआ है दीवार पर, उसको देखो कि तुम्हारे लाल लाल तुम्हारे मस्तिष्क पर, तुम्हारे कपोल और होठों गालों पर क्या लगा हुआ है। तखिन कनक कपोल दुति बीच ही बीच विकान। कह रहे हैं कि उनकी लाली और लालिमा की चमक को देख करके राधा को जब संदेह होता तो उन्होंने क्या करता है कि अपनी एक सहेली को श्री कृष्ण के पीछे लगा देते, लेकिन सहेली जो है दो कदम और आगे निकल जाती है। किससे? उस नायिका से जो पहले मिली थी, वह नायिका से कई कदम आगे निकल जाती है। और ये जब भगवान श्री कृष्ण से मिलती है उसके संपूर्ण शरीर पर लाली के ही अवशेष दिखाई दे रहे हैं, चुंबन के अवशेष दिखाई, जिससे होठों के रंग कई जगह, होठों की लाली कई जगह लग गई है। इससे जो है राधा का संदेह और ज्यादा बढ़ जाता है। व्यंग व्यंग करते हुए अपनी सहेली से कहती है कि तुम तो और भी चौका के समान हो, जैसे कोई आदमी किसी विवाह शादी में आपने देखा होगा कि किसी मंडप को सजाने के लिए कई जगह पर चौका, कहें चौका चिन्ह समान, तुम तो एकदम चौके की तरह सज गई हो, हर जगह तुम्हारे लाली और अन्य जगह अंश दिखाई दे रहे हैं। इस बात को देख करके वो जो है और भी चिढ़ जाती है। इसी पद की व्याख्या इसमें की गई। और अगला है आपका पद है हिंदी साहित्य के छायावादी कवि कामायनी, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से लिया गया है। आप में चिंता सर्ग है और श्रद्धा और चिंता सर्ग दो है, दोनों इसमें आपका ये लिया गया है आपके पाठ्यक्रम में। उषा की पहली लेखा कांत, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी हर मोद, मद भरी जैसे उठे सजल, भोर की तारक दूत की गूंज। प्रकृति का बड़ा ही अनोखा वर्णन इसमें किया गया। उषा की पहली लेखा कांत, उषा माने क्या होता है, उषा माने, उषा बोलते हैं सूर्य की प्रथम किरण को, उषा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उषा बोलते हैं। जयशंकर प्रसाद ने अपने एक ग्रंथ में इसका वर्णन किया है, विति विभावरी जागरी, विति विभावरी जागरी, विति विभावरी, विभावरी माने रात, रात बीत गई है, जागरी उठ जाओ, ऐसा क्यों उठ जाओ, विति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में, अंबर अंबर आकाश रूपी पनघट में, डुबो रही तारा घट उषा नागरी, डुबो रही किसको, तारा रूपी घड़े को, कौन डुबो रहा है, उषा रूपी चतुर नागरी माने औरत वह डुबो रही है, इसकी वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, यह है आपका। अगला है असाध्य बीड़ा, असाध्य बीड़ा से जो पद लिया गया है वह पद आपका जो है असाध्य बीड़ा, असाध्य बीड़ा का लेखक है और रचयिता है कौन, अज्ञेय, कौन है, अज्ञेय है, अज्ञेय द्वारा रचित यह ग्रंथ जो है असाध्य बीड़ा से लिया गया है, थोड़ा अलग है इसलिए हम जो है इसके बारे में बता देते हैं कि ये क्या है। तो
तो ये जो है आपका जो अभी आप कामायनी वाला पद देख रहे थे, पर उसको थोड़ा सा इससे छूट गया था, इसमें आप संदर्भ में लिखेंगे कि इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद, और ग्रंथ का नाम क्या है, कामायनी, का मा यनी, ये महाकाव्य है, और इस महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं, ये महाकाव्य है, 15 सर्ग है, कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछा भी है कितने सर्ग हैं। और इसके बाद अप्रसंग में इसमें प्रकृति का बड़ा ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया गया है, उसको बताना है, व्याख्या इसकी बताना है। इसके बाद इसमें काव्य सौंदर्य जो है थोड़ा सा अलग है इसमें, अब यहाँ की भाषा जो है थोड़ा सा खड़ी बोली है, क्या है, खड़ी बोली है। अब छायावादी कवियों से ही खड़ी बोली की शुरुआत हो जाती, खड़ी बोली में लिखा गया यह ग्रंथ है, और इसकी जो छंद है, छंद यह ताटंक छंद में लिखा गया है, ताटंक छंद में लिखा गया है, और कहीं पर तोटंक भी लिखा रहता है, लेकिन ताटक छंद ही बोलते हैं, ताटक छंदों में लिखा गया है। और इसकी जो विशेष है प्रकृति का बड़ा ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया गया है, और यहाँ पर रूपक अलंकार, अलंकार कौन सा है, अलंकार की बात करें तो इसमें जो है रूपक है, क्या है, रूपक अलंकार है। अगला देखिए आपका जो है, अगला जो पद है आपका असाध्य बीड़ा से लिया गया, किससे लिया गया है, असाध्य बीड़ा से लिया गया है, अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मांड का मौन अशेष प्रभामय। असाध्य बीड़ा का रचयिता जो है अज्ञेय है, अज्ञेय को जो है कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है, इन्होंने तार सप्तक की शुरुआत की थी, अज्ञेय ने क्या किया था, तार सप्तक की शुरुआत किया था। तो अज्ञेय द्वारा लिखा गया असाध्य बीड़ा है, असाध्य बीड़ा जो है कहां पर बजता है, क्यों बजता है, अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, स्वयंभू माने संगीत कहां से उत्पन्न हुआ, स्वयंभू, स्वयंभू किसको कहा जाता है, जो स्वयं भूमि से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहा जाता है, स्वयंभू कहा जाता है, जिसमें सोता है अखंड, अखंड माने जिसके कोई खंड नहीं हुए, अर्थात ये संपूर्ण ब्रह्मांड सो रहा है, ब्रह्मांड का, ब्रह्म का मौन, अब ब्रह्म क्या है, मौन है, अशेष प्रभाम। इसकी व्याख्या जो है अभी एक बार और जब इसको अलग से कराएंगे तो विस्तार से थोड़ा बताएंगे, ठीक है। तो इसकी भाषा जो है अज्ञेय, इसकी जो, इसकी जो भाषा है खड़ी बोली है, खड़ी बोली में लिखा गया है, ये खड़ी बोली में है, और छंद इसका जो है मुक्तक है, मुक्तक छंदों में रचनाएं लिखी जाने लगी। और इसका जो अलंकार है, यह अलंकार जो है इसमें आपका अनुप्रास भी है, अनुप्रास अलंकार है, और अनुप्रास ही लिख लीजिए, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि ये जो पंक्तियां हैं आपका, जिसमें सोता है, जिसमें स दो बार आया है, तो इस यहां पर हुआ है, और ये देखिए आपका ब्रह्म का मौन, जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर दो अक्षरों में हुई है, दो पदों में, इसमें और सोता है, दोनों में सांसा दो, एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति हुई है तक की, इसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और ठीक है, तो इसको आप लिखना है, इसमें जो है असाध्य बीड़ा जो है किस पद में लिखी गई, जब इसके हम आगे व्याख्या करेंगे तो इसको भी बताएंगे। ये आपका जो है पूरी व्याख्या थी इसकी पद की। अगला है आपका सेक्शन खंड अ, या ए का दूसरा का ए क्वेश्चन नंबर है, दूसरे का क्वेश्चन नंबर ए है, दूसरे का जो क्वेश्चन नंबर ए है वो है क्या, पहले ये समझ लीजिए वो है क्या। वह आपका अब यहाँ पर प्रश्न उत्तर होगा, ये प्रश्न उत्तर शैली में लिखा गया है, इसमें आप देखिए प्रश्न है जो पूछा है, प्रश्न है, प्रश्न पूछ रहा है
निरस निर्गुण मत में कबीर ने ढाई आखर जोड़ने की पहल किससे प्रेरित होकर की है और क्यों? निरस निर्गुण मत में कबीर ने ढाई आखर जोड़ने की पहल की किससे प्रेरित होकर की और क्यों? अपने कथन की पुष्टि कीजिए। आपको बता दें कि कबीर जो है, जो कबीर हैं, कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। किसके हैं? निर्गुण ब्रह्म के उपासक, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे ये। और इन्होंने अपने पदों में प्रेम की सार्थकता को ढाई आखर जोड़कर अपने निरस, निरस अर्थात जो ये पद है इनका, निरस अर्थात किसी प्रकार का आनंद जिसमें न आए उसे निरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरस कहा जाता है, जिसमें कोई आनंद न हो। ऐसे पद में भी, पदों में भी कबीर ने आनंद भरने का प्रयास किया है, आनंद भरने का प्रयास किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कबीर जो है समाज सुधारक अधिक थे, कवि के लक्षण उनमें कम दिखाई देते हैं। और एक तो अनपढ़ थे, कबीर क्या थे? अनपढ़ थे। अनपढ़ होने के कारण उनकी काव्यों में सुधारात्मक प्रवृत्ति दिखाई देती है, और इस तरह की प्रवृत्ति जो है क्या दिखाई देती है? सुधारात्मक प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसको बंद कर दो।